तेलंगाना वक्फ बोर्ड की बिलाखिर तश्कील, मोहम्मद सलीम सदर नशीन मुंतखब। मोहम्मद सलीम सदर नशीन के ओहदे का भी जायजा हासिल कर लिया और दीगर मेम्बरान भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि वक्फ की जायदादों का हर हाल में तहफ्फुज करेंगे और दयानतदारी से काम करने का इन्होंने ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट indtoday.com। और यूनानी मसली, क्योंकि MIM या TRS को अलग नहीं है, दोनों का अलायंस से जो है बोर्ड बना है ये, और सब मिलके जो है ना मंशा वफ के हिसाब से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के काम करेंगे यहाँ पर। और क्योंकि आने वाले टाइम पे, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऑटोनमस बॉडी है, वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है सेंट्रल एक्ट है, और यहाँ पर जो है ना इससे पहले ऑलरेडी मैं चार साल में वक्फ बोर्ड चेयरमैन रह चुका हूँ, पहले 2001 से 2004 तक, और सबको मालूम है कि हमारी कारकर्दगी कैसी है, क्योंकि हम TA DA पानी भी नहीं पिए यहाँ से, और आज पहले जैसा था आज भी हम वही तरीके से काम करेंगे। कोई यहाँ से गाड़ी नहीं लेंगे, कोई पेट्रोल डीजल कोई चीज़ हमको नहीं चाहिए, यहाँ तक कि पानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट करना हर मुसलमान का फर्ज है। और हमारे मेम्बर्स भी जो आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और हमारे MIM की तरफ से भी पूरे आनेस्ट है। इससे पहले भी असदुद्दीन अवैसी साहब थे यहाँ पर, हमारे साथ अभी भी रहेंगे, और सब असदुद्दीन अवैसी साहब के मशवरे से और हमारे सब पूरे मेंबर्स के मशवरे से हम लोग जो है ना आगे बढ़ के जो है ना अच्छा काम करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। और पूरे मेंबर्स ऐसे मेंबर्स है पूरे आनस्ट है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगा के CM साहब जो है ना, जो गवर्नमेंट के भी नॉमिनेटेड मेंबर है, वो लोगों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आने के बाद ये मेंबरों को तश्कील दिया गया है, क्योंकि IC लेके आके किसी मेंबर को नहीं बिठाया यहाँ पर, क्योंकि सब गवर्नमेंट भी जो है ना इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेके पूरे आज जो शिया मेंबर है और हमारे अकबर निजामुद्दीन साहब है, हमारे जो जो भी मेंबर्स यहाँ पर है, मोतशम साहब है और अनवर साहब है और हमारे जावेद साहब है, मौजम खान साहब है, ये सब ऑनेस्टली काम करने वाले लोग हैं। और वक्फ बोर्ड में मैं भी इसलिए इसको कबूल करा के, ये वक्फ बोर्ड जो है एक अल्लाह की अमानत है, इसमें आखिरत बना ले सकते हैं अपन अच्छे तरीके से काम करके। आने वाले टाइम में जो जो प्रॉब्लम्स यहाँ के वक्फ बोर्ड के हैं, वो प्रॉब्लम्स हम पूरे मेंबरों की राय से और असद साहब की राय से, हमारे CM साहब के मशवरे से हम लोग जो है ना पूरा इसको डेवलपमेंट करेंगे। और गवर्नमेंट भी जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ पर भी है जो एक्वायर करे हुए है उसको जो है ना पूरा प्रोटेक्शन दे के, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी जो जो भी इंक्रोच करे हुए हैं CM साहब खुद वादा करे हैं कि उसको पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, हर चीज़ देंगे, इसको जुडिशियल पावर देंगे वक्फ बोर्ड को। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की मदद से, और CM साहब भी एक ऐसे हैं कि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के तरफ से जो ना जो जो चीज़ की ज़रूरत है वक्फ बोर्ड को, वो पूरी तरीके से CM साहब करने के लिए तैयार है। और हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब भी एक ऑनेस्ट मेंबर है और डायनर है उन्होंने भी, और हमारे KTR साहब, ये लोग सब मिल के, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, ये सब मिल के हम लोग एक अच्छी टीम बना के जो है ना वक्फ बोर्ड को आज तक इंडिया में कोई डेवलप नहीं करा होगा वैसा डेवलपमेंट जो है ना यहाँ पर लेके आके CM साहब से जो जो मरायत लेना है बराबर तरीके से, और CM साहब भी करने के लिए तैयार, क्योंकि वक्फ के प्रॉपर्टी आज जितने तबाह हो गए वो इंशाल्लाह ताला जो इंक्रोच है उसको भी हम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे मेंबरों की, और हमारे गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, हमारे KCR साहब की सपोर्ट लेके। आज KCR साहब पूरे माइनॉरिटीज के इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं आप लोगों को सब मालूम है, क्योंकि अब यहाँ पर बोल नहीं सकते, आज पहली मीटिंग है, क्योंकि और ज़्यादा बोलने से अच्छा नहीं, अपने को वक्फ की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, पूरे मेंबरों की जिम्मेदारी है, और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के काम करना है सबको, पूरे मेंबर्स को, और मेंबर्स भी हमारे पूरे आनस्ट है, आनस्ट तरीके से काम करेंगे।